अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारिक हफीज़ और आप देख रहे हैं द रबीकाज कुकिंग शो। वक्त के साथ साथ खानों में बड़ी जिद्दत आती जा रही है, इस वजह से कई खानों का जायका चेंज हो चुका है। लेकिन आज हम थोड़े पुराने दौर में चलते हैं और एक पुरानी रेसिपी को पुराने ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन साथ में उसमें एक मॉडर्न टच भी देंगे या एक ट्विस्ट देंगे। तो आज हम शेयर कर रहे हैं शामी कबाब की रेसिपी। इसको बजाय हम चॉपर में पीसने के सिलबट्टे पे पीसेंगे। किसी दिन हम अपने चैनल पर सिलबट्टे वाली चटनियों की रेसिपी भी शेयर करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें हम एक ट्विस्ट भी देंगे जिसकी वजह से कबाब का जायका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। बहुत जूसी और मज़ेदार कबाब बनेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए पैन में 1 kg बीफ बिना हड्डी वाला ऐड करें। अब इसमें लहसुन के पूरे 1 बल्ब की कलियां छीलकर शामिल करें। 14-15 साबुत गोल लाल मिर्चें डालें। 1 tablespoon साबुत धनिया ऐड करें। 1 teaspoon ज़ीरा ऐड करें। 4-5 हरी मिर्चें। 1 inch अदरक के टुकड़े। 3 बड़ी इलायची। 1/2 teaspoon साबुत काली मिर्च। 2 टुकड़े दालचीनी शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें 1 liter पानी शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें। अब 1 घंटा मीडियम लो आंच पर पकने के लिए रख दें। पानी की क्वांटिटी अपने गोश्त के गलने के हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। अगर ड्राई हो जाए और गोश्त ना गला हो तो पानी और शामिल करके मजीद कुक कर सकते हैं। बीच बीच में चमचे से मिक्स करते रहें ताकि मसालों का फ्लेवर एक जैसा सब जगह पहुंच जाए। 1 घंटे बाद इसमें 250 ग्राम 2-3 घंटे भीगी हुई चने की दाल शामिल करें। 1 tablespoon नमक शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें। अब ढककर 20 से 25 मिनट दाल गल जाने और पानी खुशक हो जाने तक पकाएं। पानी खुशक हो जाने और गोश्त गल जाने पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे अच्छी तरह ठंडा कर लें। थोड़ा थोड़ा कबाब मिक्सचर सिल पर डालें। बट्टे से कुचल कुचल कर पीस लें। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा मौजूद नहीं तो आप इसको ठंडा करके चॉपर में पीस सकते हैं। हमारे यहाँ सिलबट्टा मौजूद है तो हम रिवायती तरीके से इसको सिलबट्टे पर तैयार कर रहे हैं। सिलबट्टे पर पीसने से कबाब का टेक्सचर बहुत शानदार आता है। पीसे हुए कबाब के मिक्सचर को एक बाउल या किसी बड़ी प्लेट में शिफ्ट करें। अब इसमें 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई शामिल करें। 1/2 गड्ढी हरे धनिए की पत्तियाँ और 1/2 गड्ढी पुदीने की पत्तियां शामिल करें। 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई शामिल करें। 1 अंडा तोड़कर ऐड करें। अच्छी तरह दबा दबा कर यकजान कर लें। अब सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके एक डो की तरह बना लें। अब इसमें ट्विस्ट देने के लिए थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज में थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली से शेयर कीजिए ताकि मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कबाब के लिए 1 बॉल तोड़ें, चपटा करके फिंगर से इसमें 1 गड़ा सा बना लें, जिस तरह कचौरी में स्टफिंग करते हैं इस तरह। अब इसमें मिर्च मिली हुई प्याज का थोड़ा सा मिक्सचर बीच में रखें। अब चारों तरफ से दबाकर सील कर दें। अब जिस तरीके से आप हथेलियों से दबा के शामी कबाब तैयार करते हैं, इस तरीके से कबाब तैयार कर लें। प्याज शामिल करने का रीज़न ये है कि जब कबाब को फ्राई किया जाएगा तो प्याज गर्म होकर अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, मिर्च अपना फ्लेवर, और ये सब चीज़ें कबाब में मिक्स होकर उसके टेस्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको बहुत पसंद आएगा। जो लोग थोड़ा मिर्चों वाला पसंद करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, इस बात की गारंटी है। सारे कबाब इसी तरह तैयार कर लें। सारे कबाब हम अभी फ्राई नहीं करेंगे, कुछ कबाब फ्राई करेंगे, कुछ हम स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के लिए एक साफ़ सुथरे कंटेनर में
कबाब की एक लेयर लगाएं, जितने कबाब जितना आपका बॉक्स का साइज है जितने कबाब उसमें आसानी से आ रहे हैं सेट करके रखें। उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट रखें, उसके ऊपर कबाबों की दूसरी लेयर लगाएं, कंटेनर को सील कर दें और डीप फ्रीजर में स्टोर कर दें। कबाब तलने के लिए तवे पर थोड़ा सा ऑयल गर्म करें, मीडियम आंच पर कबाब को फ्राई करें, एक तरह से डार्क ब्राउन होने पर पलट दें, दूसरी तरफ से भी डार्क ब्राउन होने तक पकाएं। अब कबाबों को तवे की ऊंची साइड पर एक जगह सेट कर दें ताकि उनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। कबाबों को पेपर टॉवल पर निकालें। मज़ेदार जूसी कबाब तैयार हैं। अपनी पसंद की चटनी, रायता, सलाद के साथ इंजॉय करें। उम्मीद है ये रेसिपी और इसमें जो हमने प्याज और लाल मिर्चों का टेस्ट दिया है आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप भी इस तरीके से कबाब बनाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। तो व्यूअर्स, ये थी शामी कबाब की मज़ेदार ट्विस्ट वाली रेसिपी। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहें द रबिकास कुकिंग शो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली से शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।